तो फोन आया कि भी ऐसे ऐसे वो लड़का हमने पकड़ लिया। फिर सारे लोग गए उसको पकड़ के यहाँ लाए, फिर पुलिस को यहाँ पूछताछ की, फिर उसको पुलिस को हमने पुलिस को बाद में बुलाया उसको यहाँ लेके आने के बाद। तो जब पुलिस के आने से पहले आप लोगों ने पूछा उस लड़के से तो क्या कुछ बताया उसने? उसने कहा कि अंकल मुझे कोई आदमी बहका रहा था, कभी 500 रुपये दे देता था, कभी 1000 रुपये दे देता था, और मैं उसके बहकाए में आ रहा था, कभी मुझे कुछ खिला दिया, कभी पिला दिया, बस मुझे तो ये था कि तुझे ना कोई भी लड़का हमें दे देना है, मैं भी लालच में आ गया। कोई भी मतलब? हाँ, कोई बच्चा हमें देना है तो मैं भी लालच में आ गया, और मैंने मुझे बेसमेंट में ले जाकर मुझे बस इतनी ड्यूटी थी उनको मैंने पकड़ा दिया, मुझे नहीं पता वो कहाँ ले गए कौन ले गए। उस वक्त तो ये बच्चे ने हमारे से ये कहा। भाई देखिए यही बात है, यही चीज मैं जानना चाह रहा था, और यही चीज जो है लोगों को सुननी चाहिए कि उसको ये कहा जा रहा था कि कोई भी बच्चा जो है उसको जो है ला के देना था, कोई भी का मतलब आपका बेटा भी हो सकता था उसमें, आपकी बेटी भी हो सकती थी उसमें। ये तो जो है उसकी बदनसीबी थी उस परिवार की, जिनका 8 साल का मासूम बेटा जो है उस दरिंदे के जो है हाथ लगया है, उसने जो उसको कैसे बहलाया फुसलाया है, कैसे उसकी हत्या की होगी जो है, उसके बारे में अगर सोचें, एक दिमाग से अगर सोचें, इंसान वाले दिमाग से अगर सोचें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी। एक 8 साल के मासूम बेटे की जब उसको जो है बगैर किसी वजह से जो है उसको बेसमेंट में ले जाके उसकी किस तरह से हत्या की होगी, किस निर्ममता के साथ, कैसे जो है उसकी सांसें जो हैं छूटी होंगी, उसका हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सर जब उसने बताया कि उसको जब लेके गए हैं तो उसने ये भी बताया कि किसको सौंपा है या फिर कैसे क्या कुछ? हाँ, उसने बताया, अंकल वैसे तो मैं जानता नहीं है, सारी सोसाइटी के सामने बताता, वो 3 लोग थे और वो एक गाड़ी थी, गाड़ी में ले गए। अब लेकिन जैसे वो पुलिस में ले गए, पुलिस वालों ने जो बताया कि हो सकता वो हमारे से झूठ बोल रहा हूँ, पुलिस वालों से ये कहा कि ये ना मैंने ही उस लड़के का हटाया, कोई नहीं था, मैंने ही उसको मारा, जैसा हमें पुलिस वालों ने बताया। अभी जो है आपके ऑफिस में प्रशासन के कुछ लोग आए हुए थे, अभी भी वो यही कह रहे थे कि भाई इसने अकेले नहीं किया है ये सब? नहीं, वो तो यही कह रहे थे इसी अकेले इसी ने किया सारा का जो भी। आपका क्या कहना है, आत्मा क्या कहती है? आत्मा तो यही, मुझे ऐसा लगता है इतना छोटा बच्चा अकेले ऐसे मतलब जो है ना हजम नहीं होता, अगर जांच की जाए हो सकता है अकेले भी क्या हो सकता है, कोई और भी इसके जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय जी, इसको टाला नहीं जा सकता, ये कह के नहीं टाला जा सकता कि इसने जुर्म कबूल कर लिया। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है इसके पीछे, वो भी छोटा ही बच्चा है, मतलब मैं कहूँ वो बच्चा इतना परिपक्व नहीं है, मतलब नाबालिग ही है, हो सकता है इसके पीछे कोई दूसरी ताकत हो जो उसको मिसगाइड कर रही हो, वो जरूरी पता लगाना कि वो दूसरी है या नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है बिल्कुल जांच का विषय। 6 लाख रुपए का नोट भी जो है मिला है कि 6 लाख रुपए दो, पैसा प्यारा है या बच्चा प्यारा है, ये जो है हनु के घर से जो नोट बरामद हुआ है ये किस टाइम पे हुआ है रात को? अब एग्जैक्ट तो कह पाना मुश्किल है, अंदाजा है 9 बजे के आसपास जो उनको नोट मिला है, शाम को ही। हाँ, शाम को 9 बजे के बाद, जैसे कि उनकी माता जी से बात हुई कि पहले तो हम आए थे घर से कुछ नहीं था, हमने 9 बजे देखा तो हमें ये नोट मिला। तो उस नोट के बारे में क्या कुछ बताया जब रात को उसको पकड़ा? तो उसने बताया कि भाई नोट जो है किसने डाला? रात उसने नोट के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। ना हम उसके पेरेंट्स ने। प्रशासन का क्या कहना है नोट के बारे में? नहीं, प्रशासन के पास तो नोट है, नोट आजकल मीडिया में भी सारा वो पब्लिश हो रहा है, है तो, लेकिन ये क्या कहना है कि वो नोट वहाँ पे उसी ने खुद डाला है या फिर किसी और ने डाला? उसने जो कबूल किया उसने ये कहा कि नोट भी मैंने खुद डाल के आया। बिल्कुल देखो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, जब सर के ऑफिस में बैठे थे प्रशासन के अधिकारी आए हुए थे, लड़का वो साथ में था जो अपराधी है, जिसने अपराध कबूल किया है वो लड़का साथ में था, हमने खुद उसको देखा भी है, मैंने भी जो है प्रशासन के अधिकारी से सवाल किए हैं, मैंने पूछा उनसे, लेकिन मैं जो है उनकी जो वीडियोग्राफी जो है हम नहीं कर पाए, क्योंकि जो है कुछ दायरे होते हैं, मीडिया के भी दायरे होते हैं और जो है प्रशासन के अधिकारियों की भी जो कोई सीमा होती है, मीडिया पे किस टाइम पे बोलना है किस टाइम पे नहीं बोलना, उस चीज़ के लिए हम फोर्स नहीं करते, बिल्कुल भी किसी को हम फोर्स नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये बताया कि भाई इस लड़के ने ये कहा है कि मैं छतों के रास्ते से जो है होते हुए उनके घर पर जो है वो नोट डाल के आया हूँ। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, सवाल जो है वो ये खड़ा होता है, अनिल को कहूँगा एक बार कैमरा जो है उधर से आप करके दिखाएं, ये जो है सवाल का जवाब आप लोगों को खुद जो है मिल जाएगा, नीचे से रोड से जो है और इन बिल्डिंगों की जो है हाइट दिखाएं एक बार, ये दिखाएं आप हाइट दिखाएं, लड़के ने जो अपराधी ने कहा है कि मैं ऊपर छतों के रास्ते से जाते हुए जो है वो नोट डाल के आया हूँ, और जो हनु का जो घर था वो 2nd फ्लोर पे था, लास्ट जो है कितने फ्लोर तक बिल्डिंग है? देखिए मुझे ऐसा लगता है बिल्डिंग जितनी ऊंची हो गई मानवता उतनी नीची हो गई, कहीं ना कहीं मानवता मर गई है लोगों,
क्या अगर ये क्या मेरा बच्चा होता, देखो आपके मीडिया के सामने आने से क्या मुझे मौत का डर नहीं है जी? क्या सब डर रहे हैं आपका, आप सब सबके पास आप कोई, तेरे कोई नहीं बोलना चाह रहा इस मामले में, ठीक है, लेकिन भाई सत्य है, सत्य तो सत्य है चाहे कुछ भी हो जी, ना जी। ये तो कानून तय करेगा या कोर्ट तय करेगा कौन दोषी है कौन नहीं है, पर जो सामा हमने अपने आंखों से देखा जो घटा वो आपको बताया। बच्चे को न्याय मिलना चाहिए या बिल्कुल बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, बच्चा किसी का भी हो, बच्चा बच्चा होता है। ये सोसाइटी ऊंची ऊंची सोसाइटी होने से, ये सब कुछ होने से कुछ नहीं होता। अब बच्चों में भय व्याप्ते इस टाइम पूरी, अगर आप देखे कैमरे से करके दिखाएं उस तरफ तो यहाँ पर सारे बच्चों की चहल पहल सोसाइटी कर रही है, इतना अच्छा लगता था बहुत ज्यादा, आज बिल्कुल सन्नाटा है, कोई बच्चा नहीं दिखा रहा है। बच्चों में भय व्याप्त है, बच्चों में डर है, बच्चे को मम्मियाँ उनकी जाने नहीं दे रहे, उनके पापा उनको जाने नहीं दे रहे, ऐसे तो बच्चे का अपने बचपन छिन जाएगा, कौन लौटाएगा बच्चों का बचपन। लोग ये सोचते थे जो गांव में जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि गांव में जो है इस तरह के अपराध तो देखो गांव में जो है कभी कभी सुनने को मिलते हैं। कुछ दिन पहले करनाल में जस हत्याकांड हुआ था, जो इसी तरह का जो है मामला था, एक 4 साल के बेटे को किस तरह से मौत के घाट उतारा था। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए लोग गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ भागते हैं, और शहरों में भी ये सोचते हैं किसी सोसाइटी में रहें, ऐसी सोसाइटी में रहें, इन बिल्डिंगों में रहें, बाहर जो हो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हो, कोई अपराध ना हो। लेकिन यहाँ पे भी जब इतना बड़ा क्राइम, ये मतलब एक ऐसी घटना जो जगजोर देने वाली जो घटना एक मासूम बच्चे के साथ सोसाइटी के अंदर ही हुई है, सोसाइटी के अगर बाहर होती तो हम ये मानते कि भाई बाहर जो उसको लेके जागा, लेकिन सोसाइटी के अंदर ही जो है बॉडी, इसी बेसमेंट में जो बॉडी मिली है वो कहाँ पे मिली है इसके? अच्छा, बेसमेंट के जो रास्ते हैं वो एक ही है या कितने रास्ते? इसके 3 रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ से है, एक रास्ता उधर से, एक पीछे, और जितने भी स्टेयर्स हैं वो सारी बेसमेंट में जाते हैं। रास्ते अगर कुल मिला के कहूँ तो मैं कहूँ 10-12 रास्ते। जो बॉडी बरामद हुई है वो यहीं पे, जो अभी हम जिस रास्ते से नीचे गए थे रास्ते से उधर हुई है, उधर रास्ते से लास्ट में जो अपना ये ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसके पास से बरामद। वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे फुटेज कोई सुविधा? ना ना, वहाँ कोई कैमरा नहीं है। सीसीटीवी फुटेज जो रिकॉर्डिंग वो ये यहीं की है, इसी की। ये तो मैं सच कहता हूँ, मैं तो जब यहाँ सोसाइटी के लोगों का शुक्रिया भी करूंगा, इन्होंने बड़ी मेहनत के बाद ये ना कैमरे लगवाए, अगर कैमरा नहीं होता तो यहाँ कुछ नहीं पता चलना था, इस कैमरे से ही पता चला। जिस तरह से मैं दर्शकों को बार बार बोल रहा था कि मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा, तो क्या अवेलेबल हो सकती हैं हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, हमारे जो ऑफिस प्रभारी हैं राहुल जी, आप ऑफिस में जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो दे दे तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी जो है निडरता के साथ जानकारी दी, और निडरता मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं। मुझे इस पूरी सोसाइटी में एक आदमी ऐसा मिला है जिसने इस मामले से अवगत करवाया है। जी, बहादुर तो मैं भी नहीं जी। मैं भी नहीं चाहता कहीं लड़ना झगड़ना, मैं कभी भी जो है ना लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करता, लेकिन सच्चाई है मेरे दो तरह के आदमी, एक तो होता है अटैकिंग, होता है डिफेंसिव, मैं भी डिफेंसिव हूँ। सर मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, अपराधियों के पैर नहीं होते, अपराधियों के पैर नहीं होते, जब तक अपराधियों से डरेंगे तो अपराधी मजबूत होंगे, जब अपराधियों के खिलाफ खड़े होंगे तो फिर अपराधियों के पैर नहीं होते, उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। देखो इतनी बड़ी सोसाइटी है, इसमें ना प्रॉपर सुरक्षा होनी चाहिए, सब चीज़ ठीक ठाक होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर, और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। देखो हम वोट देते हैं, हम टैक्स देते हैं, ऐसे ना, अब यहाँ पे अब आप शाम के टाइम देखना 7 बजे के बाद यहाँ गाड़ियाँ लग जाती है जो देखो मार्केट के सामने, और वहाँ अपनी कार में खड़े होकर लोग मजे से दारू पीते हैं। हम लोग डरते, हम सब फैमिली वाले लोग हैं, उनको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सरकार प्रशासन पुलिस को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। किसी भी सोसाइटी किसी भी एक सभ्य समाज में ऐसे कार में बैठ के खुले आम शराब पीना अपने घर में पिए, बिल्कुल सही, मैं सर आपको कोई बुरे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पियो तरीके से, पियो अपने घर में पियो, ऐसे किसी सोसाइटी के सामने ले, कार में बैठा है कोई, पी रहे हैं कोई, महिला है कोई, बच्चा है, वो दुकान पर कोई सामान लेना, वो सामान लेने नहीं जाते, डर जाते। इस मामले में जो है प्रशासन को जो है वो थोड़ा जो है सतर्क होना चाहिए, प्रशासन को बिल्कुल आगे आना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोगों पर ना कठिन से कठिन जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। भाई जिस तरह से सर ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज जो है अवेलेबल हो सकती है, वो सीसीटीवी फुटेज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि किस तरह से वो अपराधी एक मासूम बच्चे को किस तरह से मौत के जो है रास्ते पर वो लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना, ताकि हनु बेटे को जो है वो न्याय मिल सके, वो आप लोग ही दिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों से जब हमने बात की, यहाँ पर कोई बोलना नहीं चाह रहा है, तो आप लोगों की जो है सख्त जरूरत है इस मामले को ज्यादा से ज्यादा उठाएं, ताकि जो है कल को किसी और का बेटा
हमारा बेटा या आपका बेटा किसी दरिंदे का शिकार ना हो, तो ये हम सब की जो है जिम्मेवारी बनती है कि इस मामले में जो जो अपराधी है, चाहे ये जो अपराधी जिसने कबूल किया ये है या फिर इसमें किसी और का हाथ है, तो मतलब जो है कार्रवाई एक अच्छे तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए। यही जो है हम प्रशासन से भी अपील करते हैं। बाकी सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।